हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 AB। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द स्पेस कर्व इन व्हिच द टू फैमिली ऑफ सरफेस यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z इक्वल्स टू सी वन एंड वी इक्वल्स टू जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी टू इंटरसेक्ट। तो हमें उसका डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालना है। इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। द गिवन फैमिली सरफेस आर फैमिलीज ऑफ सरफेस आर यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू सी वन एंड वी इक्वल्स टू जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी टू। तो डी यू इक्वल्स टू जीरो, दैट इम्प्लाई 2x डी एक्स प्लस 2y डी वाई एंड प्लस 3dx इक्वल्स टू जीरो। इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डी यू इक्वल्स टू यहाँ 2x डी एक्स प्लस 2y डी वाई प्लस 3dx इक्वल्स टू जीरो, सी वन कॉन्स्टेंट है एंड डी वी इक्वल्स टू जीरो, दैट इम्प्लाई इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जेड डी एक्स आ जाएगा प्लस एक्स डी जेड आ जाएगा एंड प्लस 2x डी एक्स एंड प्लस 2y डी वाई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सॉल्विंग द अबव टू इक्वेशंस वी गेट, यहां से एक फॉर्मूला के थ्रू हम कर सकते हैं डी एक्स बाय यू वाई वी जेड एंड माइनस यू जेड वी वाई इक्वल्स टू डी वाई बाय यू जेड वी एक्स माइनस यू एक्स वी जेड एंड इक्वल्स टू डी जेड बाय यहाँ पर यू एक्स वी वाई माइनस यू वाई वी एक्स, ठीक है ना। इन सभी का वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें देखते हैं। ये है उसके बाद सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे डी एक्स और डी एक्स, तो यू यू वाई करना है, ठीक है ना। तो यू जो हमें गिवन है यू इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें टू वाई। तो लिखेंगे टू वाई इंटू इंटू क्या है यू वाई वी जेड, तो वी को हम करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में व्हिच इज इक्वल्स टू तो वन आ जाएगा एक्स, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स कॉन्स्टेंट मतलब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जो भी दिया हुआ है। यू जेड तो जेड की कोई टर्म नहीं है इसलिए पूरा टर्म को हम जीरो कर देंगे क्योंकि जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए वो क्या आ जाएगा जीरो। तो डी वाई बाय यहाँ पर क्या है यू जेड, तो फिर से यू जेड है तो जीरो एंड माइनस यू एक्स यू एक्स एंड वी जेड, तो एक्स के रेस्पेक्ट में यू को करेंगे तो यहाँ पर टू एक्स एंड प्लस थ्री आ जाएगा एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा वी को करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में तो एक्स आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू डी जेड बाई यहाँ पर क्या करना है यू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में यू को करना है तो टू एक्स प्लस थ्री एंड वी वाई वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टू वाई, है ना। एंड माइनस माइनस यू वाई वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो टू वाई इंटू यहाँ पर क्या करना है वी एक्स, वी एक्स तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे जेड एंड प्लस टू एक्स, ठीक है ना। तो इसको हम अब सिंप्लीफाई करेंगे तो डी एक्स बाई टू एक्स वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई माइनस टू एक्स स्क्वायर एंड माइनस थ्री एक्स इक्वल्स टू डी जेड वाई यहाँ पर क्या आ जाएगा फोर एक्स वाई एंड प्लस सिक्स वाई एंड माइनस टू वाई जेड एंड माइनस फोर एक्स वाई, फोर एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा डी एक्स बाई टू एक्स वाई डी वाई बाई माइनस टू एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इक्वल्स टू डी जेड बाई सिक्स वाई माइनस टू वाई जेड। तो विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम बी करेंगे।
सिक्स बी, क्वेश्चन नंबर सिक्स ये हो गया। उसके बाद ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन टू क्लोराइड्स फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स जनरल सॉल्यूशन। तो ऑल्सो फाइंड इट्स सिंगुलर सॉल्यूशन इफ इट एग्जिस्ट। तो देखेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स बी, क्वेश्चन नंबर सिक्स बी में क्या गिवन है? द गिवन इक्वेशन इज एक्स वाई वाई माइनस पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस पी वाई विच इज इक्वेशन नंबर वन। तो हम पुट करेंगे अभी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी। नाउ पी इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई डी वी इंटू डी वी डी यू इंटू डी यू डी एक्स बाई चेन रूल। तो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम क्या ला सकते हैं, देखिए डी वाई डी वी, तो टू वाई डी वाई इक्वल्स टू डी वी। तो डी वाई डी वी इक्वल्स टू वन बाई टू वाई, है ना। तो डी वी डी वी डी यू डी वाई डी वी तो वन बाई टू वाई इंटू यहाँ से डी यू डी एक्स। तो यहाँ से क्या करना है, डी यू इक्वल्स टू टू एक्स डी एक्स। तो डी यू डी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स इंटू डी वी डी यू। डी वी डी यू की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, तो टू टू कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया एक्स बाई वाई डी वी डी यू। एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, रूट यू। तो रूट यू बाई रूट वी इंटू डी वी डी यू, ठीक है ना। अब देखिए लेट करेंगे हम डी वी डी यू इक्वल्स टू कैपिटल पी। तो लेट डी वी डी यू इक्वल्स टू कैपिटल पी, देन क्या आ जाएगा, यहाँ पर पी इक्वल्स टू डी वी, सॉरी रूट यू बाई रूट वी, मतलब रूट आवर ऑफ यू बाई वी इंटू कैपिटल पी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन वन, वैल्यूज इन वन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए हम पूरा यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे x इंटू वाई। तो x है रूट यू, वाई है रूट वी इंटू यहाँ पर y, तो रूट वी माइनस पी इंटू पी के जगह पर ये पुट करेंगे रूट ओवर ऑफ u बाई वी कैपिटल पी इंटू एक्स, तो रूट यू एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स रूट यू माइनस पी, पी के जगह पर रूट ओवर ऑफ u बाई वी ये पुट करेंगे u by vp into यहाँ पर क्या है y, तो into root v। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, root u v into यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये v है and root u, तो root v है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, root v minus u by root v p equals to यहाँ से root v cancel out हो जाएगा, तो root u minus root u p, रूट यू यहाँ से देखिए हम कैंसिल कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर तो वी है, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट वी तो वी इंटू रूट यू है एन माइनस यू रूट यू एंड पी, तो रूट वी कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू रूट यू माइनस रूट यू पी। देखिए यहाँ से रूट यू हम कैंसिल कर सकते हैं, तो रूट यू कैंसिल करेंगे तो वी माइनस यू पी एंड दिस इज इक्वल्स टू वन माइनस पी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम डी पी डी या फिर p को कॉमन अगर ले सकते थे तो यहाँ से दो वैल्यू निकल कर आता, पर यहाँ पर हम v इक्वल्स टू लिखेंगे यू पी प्लस वन माइनस पी, ठीक है ना, एक ही वैल्यू आ रहा है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो v इक्वल्स टू यू पी प्लस वन माइनस पी, तो विच इज इट्स इज ऑफ क्लोराइड्स फॉर्म एंड हैज, यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन ही है, सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं है, एंड हैज its solution as v equals to cu plus
वन माइनस सी, ठीक है ना। ये बुक में भी किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो द जनरल सॉल्यूशन सॉल्यूशन इज वी के जगह पर क्या लिखेंगे, वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू सी इंटू यू के जगह पर एक्स का स्क्वायर इंटू प्लस वन माइनस सी, ठीक है ना। ये है जनरल सॉल्यूशन, और सिंगुलर सॉल्यूशन इसका नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।